तो गाइज अपना हीरो ब्रांड का स्टैचू बनाने के लिए हमको यहाँ पर मैंने अपना एक एरिया बना लिया। इसको पहले मैं कुछ फ्लैट सा करूँगा जाकि अपना कुछ बन, यहाँ पर मैंने फ्लैट भी कर लिया। और फ्लैट करने के बाद यहाँ पर अपने जाएंगे डीप स्लेट के जो ब्रिक होते हैं वो बहुत सारे माइन करके बना लिए थे मैंने ये। और इनको वो 5, 6, 7, 8, 9, 10 ब्लॉक लगाने हैं यहाँ पर। ज़्यादा अगर मेरे को कम लगा तो मैं ज़्यादा साइड को और लगा दूँगा। और यहाँ पर इनको लगाने के बाद यहाँ पर कुछ इस टाइप से मैंने बना लिए हैं ये। और अपने इसको तोड़ लेते हैं पहले यहाँ पर, यहाँ पर एक ब्लॉक ज़्यादा लग गया था। इसको आगे तक कनेक्ट कर देते हैं पहले हम। और कनेक्ट करना है यहाँ पर ऐसे कुछ इस टाइप से। और वहाँ पर फ्रॉग पूरे मस्ती करते फिर रहा है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर इसको करने के बाद अभी हमको करना है, अब इसको करना है 1, 2, 3 और ये 4 और 5 5 ब्लॉक की हाइट बनानी है इसकी। और नीचे गिर गए, कोई बात नहीं। 2, 3, 4, 5 इसको भी पूरा स्पीड में कनेक्ट कर देते हैं। तो गाइस अपना सारा का सारा कनेक्ट हो चुका है ये। और इसको कनेक्ट करने के बाद अभी इसको ऊपर से पूरा फिर करना है और पूरा फुल करना है इसको। इसको तोड़ लेते हैं पहले, ये वाला एक ब्लॉक ज़्यादा लग गया। और यहाँ पर इसको तोड़ने के बाद अब इसको कर लेते हैं पूरा कनेक्ट। और इसको कनेक्ट करने के बाद पूरा हम इसको तोड़ लेते हैं, इसको पूरा स्पीड में कनेक्ट कर देते हैं इसको। तो गाइस अपना पूरा ऊपर तक हो चुका है काम। और यहाँ पर अब चाहिए हमको सियान कंक्रीट, इससे अपने हीरो बनाइन की शर्ट वगैरह बनने वाली है उससे। इससे अभी इसको तोड़ लेते हैं अपने शल्कर बॉक्स को और यहाँ से लगाना शुरू करते हैं इसको। यहाँ पर एक या दो ब्लॉक छोड़ के लगाने हैं अपने को कुछ इस टाइप से। एक ब्लॉक ज़्यादा लग गया, इसको तोड़ लेते हैं। और इसको तोड़ने के बाद अब क्या करना है हमको, कुछ इस टाइप से लगाना है 3 और 3 ब्लॉक लगाने के बाद अब इसको 6 ब्लॉक की देनी है इसको हाइट। और 6 ब्लॉक की हाइट इसको देनी है हमको। और यहाँ पर इसको देनी है इस वाले को 5 ब्लॉक की, और 5 ब्लॉक की हाइट देनी है इसको। और इसको देने के बाद इस वाले को देनी है सिर्फ और सिर्फ 4 ब्लॉक की। अब इन दोनों को भी बीच में कनेक्ट कर देना है। इस वाले ब्लॉक को तोड़ते हैं पहले, और डैमेज पे डैमेज पड़े जा रहा है बार बार। इसको फिर से 6 ब्लॉक की हाइट देनी है अपने को। पहले हम इन तीनों को कनेक्ट कर लेते हैं, हीट हो चुका है। अब इनको बीच में बिल्कुल कनेक्ट करना है कुछ इस टाइप से। अपनी शर्ट बन गई है, शर्ट का जो आगे का वो होता है क्या होता है कॉर्नर सा, वो बन चुका है। और इसको हम कर देते हैं पूरा कनेक्ट। अपना पूरा काम कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर। और कंप्लीट होने के बाद अपना फिर से शल्कर बॉक्स निकालते हैं और यहाँ पर रख के यहाँ से अपना वाइट टेराकोटा निकाल लेते हैं, जो टेराकोटा होता है वो। और टेराकोटा निकालने के बाद इसको मैंने अपना कंक्रीट सारा और मेरे को लाना पड़ रहा था यहाँ पर। तो लाने के बाद यहाँ पर इसको कुछ इस टाइप से भर देते हैं इसके अंदर। कंक्रीट और बनाना पड़ गया था मेरे को, तो यहाँ पर क्राउच होकर दिखाता हूँ। कुछ इस टाइप से लुक आ रही है थोड़ी बहुत, अगर आपको लग रही है और देख रही होगी तो। यहाँ पर अब इसको करना है कनेक्ट करना है कुछ 2 और यहाँ पर 3 ब्लॉक लगाने के बाद इसको नीचे को कनेक्ट करना है। और यहाँ पर मैं इसको कनेक्ट करना है अपने को, और कनेक्ट आगे तक कर देता हूँ मैं पहले इसको। और कुछ इस टाइप से आगे को कर देना है। अपना पहला अपने इंडियन फ्लैग को भी हटाना पड़ेगा मेरे को इस यहाँ से। आगे बनाएंगे इसको खूब बड़ा करके, और जो अपना पहला बड़ा वाला है उसके साइड में बना देंगे या फिर रहने देंगे, क्योंकि ये इसके पीछे आ रहा है तो अच्छा नहीं लगेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या करते हैं इसको, तो यहाँ पर ऐसे कुछ इस टाइप से लगा देते हैं यहाँ पर, और इनको कर देते हैं कनेक्ट। और कनेक्ट करने के बाद कुछ अच्छी सी लुक आने लग गई है यहाँ पर, क्योंकि चारों तरफ से। तो इसके अंदर आप कमेंट में बता देना, कमेंट में नहीं तो अरे मैं अपने आप कुछ ना कुछ बना दूंगा। अगर आपको कुछ आइडिया आ रहा हो तो वो बता देना, वरना मैं तो इसके अंदर कोई एक चेस्ट रूम बनाने की सोच रहा हूँ, जो चेस्ट रूम बना दें इसके अंदर। तो इसको पूरा जल्दी जल्दी से कनेक्ट कर देते हैं इस। काम हो चुका है अपने, मैंने हैंड भी बना दिए हैं। मैंने ज़्यादा नहीं दिखाया क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती, तो यहाँ पर मैंने हैंड भी बना दिए हैं दोनों तरफ ऐसे कुछ आगे को करके। अगर एक नीचे को बनाना होता तो देखो गाइस कुछ इस टाइप की लुक आने लग गई है अपने, अभी दिखाता हूँ मैं। तो यहाँ पर ये देखो मैंने आइज वगैरह सब चीज़ बना दी है इसकी, ये देखो कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर कुछ इस टाइप की लुक आ रही है इसकी। तो नीचे चलते हैं थोड़ा सा, और ये डोंकी कर रहे हैं यहाँ पर निकल। तो कोई बात नहीं, बिना फालतू में ठूंगे वो बाहर पड़ गई, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर
चलते हैं सीधा। थोड़ा बहुत पॉक चॉप कुछ इस टाइप का लग रहा है। मैं पहले एक साइड में तो स्वॉर्ड बनाऊंगा, अगर सोचूंगा दूसरी साइड में एक्स बना देंगे। तो यहाँ पर गाइज अपना पूरा काम कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपको दिखा दूँ कैसी लुक आ रही है अपने हीरो ब्राइन की। तो 3, 2, 1, ये थोड़ा थोड़ा आना शुरू हो गया। ये देखो गाइज, ये मैंने थोड़ा बहुत ब्लड टाइप भी लगा दिया इसके ऊपर, अपना ब्लड सर जो होता है वो लगा दिया इसके ऊपर। तो यहाँ पर ये देखो कैसी लुक आ रही है यार, कितना ख़तरनाक लग रहा है ये, जैसे शॉर्ट से किसी को टपका के आया हो अभी। तो ये देखो गाइज कुछ इस टाइप का लग रहा है अपना हीरो ब्राइन। तो कमेंट कर ज़रूर बताना कैसा लग रहा है ये। इसके ऊपर चल के दिखाता हूँ मैं कैसा लग रहा है ये। तो अपना इलाइट्रा पहन लेते हैं और इसके ऊपर चलते हैं वापस से। तो यहाँ पर भगते हैं सीधा और इसके ऊपर चलते हैं। ओ डैमेज पड़ गया फिर से, मेरे को इलाइट्रा अभी उड़ाने नहीं आया। तो गाइस मैं पहुँच चुका हूँ इसके ऊपर से देखो यार कहाँ तक का व्यू आ रहा, बहुत तगड़ा। अगर मैं पूरा रेंडर डिस्टेंस बढ़ा दूँ तो बहुत तगड़ा लुक आने वाली है इसकी। तो अब चलते हैं सीधा नीचे, और नीचे जाने के बाद ये देखो कैसा लग रहा है भाई, कितना खतरनाक लग रहा है। अभी बस थोड़े से आप सिनेमेटिक्स भी देखना इसके। तो मैंने कुछ ये साइड में ऊपर चढ़ने के लिए ब्लॉक लगाए थे, ओ नीचे गिर गए, कोई बात नहीं। आप कुछ सिनेमैटिक्स देखो इसके, तो तब तक आप सिनेमैटिक्स देखो। तो गाइज आपको ये स्टैचू कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर न हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।